आप यहाँ पे सुन सकते हो। जो हमारे कुकीज़ हैं ना, बहुत क्रिस्पी बने हैं। आज हम बनेंगे सूजी के क्रिस्पी से कुकीज़, और इसे हम बनाएंगे बिना ओवन के। हेलो फ्रेंड्स, आई एम कांचन, नोमिस किचन में आपका स्वागत है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे कुकीज़ अंदर तक कुक भी हुए हैं, अंदर इसकी एक चाली भी पड़ी है। वीडियो लास्ट तक देखिए। चलो फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ बोलिए, यहाँ पे मैंने लिया है देसी घी। हाथों से घर पे देसी घी कैसे निकालना है इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे बटर भी यूज कर सकते हो। और घी को हम अच्छी तरह से फेंटने वाले 5 से 7 मिनट के लिए। इसमें डालने वाली हूँ पाउडर शुगर। नॉर्मल जो शुगर है उसे मिक्सर में ग्राइंड किया है। 1 बोल शुगर ले रही हूँ। आपके हिसाब से यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। अच्छी तरह से हम इसे फेंटने वाले हैं। इसमें डालने वाली हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा घी और शुगर है, इसे हमने अच्छे तरह से फेंट लिया था। इस तरह से आपको फेंटना है। उसमें डालने वाली हूँ वैनिला इसेंस। मिक्स कर लेंगे। इसमें डालने वाली हूँ सूजी। 1.5 बोल यहाँ पे मैंने सूजी यूज किए हैं, उसी हिसाब से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 बोल मैदा। इसे हम मिक्स कर लेंगे। अभी हाथों से हम मिक्स करेंगे। वन बोल सूजी पहले यूज की थी, यहाँ पे और 1/2 बोल सूजी में यूज करूंगी, तो थोड़ी थोड़ी करके ही ऐड करना है। यहाँ पे हमने घी का यूज ज्यादा किया है। घी में ही आपको पहले कुकीज़ का डो रेडी करना है, और अगर लगा तो थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके ही आपको डो बनाना है। अब इसमें डालने वाली हूँ 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके इसका हम एक डो रेडी कर लेंगे। डो हमारे रेडी हो चुका है। इसे हम रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। डो हमारा अच्छी तरह से रेस्ट हुआ है। रेस्ट करना जरूरी है क्योंकि हमने यहाँ पे सूजी यूज की है। सूजी को थोड़ा टाइम देना जरूरी है क्योंकि सूजी बहुत सारा पानी पीती है और फूलती भी है। इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। एक प्लेट ली है, उसके ऊपर लगा लिया थोड़ा सा घी। आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हो। और इसके हम छोटे छोटे कुकीज़ बना लेंगे।
प्लेट में रखते जाएंगे उसके कुकीज़ के ऊपर मैं लगाने वाली हूँ ड्राई कोकोनट और काजू बादाम जिसे हमने मिक्सर में ग्राइंड किया था। तर तरह ही ग्राइंड करना है, ज़्यादा बारीक आपको ग्राइंड नहीं करना है। तो इस तरह सब कुकीज़ मैं रेडी कर लूँगी। कड़े में नमक डाला था, उसके ऊपर रखा था स्टैंड और उसे मैंने प्रीहीट कर लिया था एक 10 मिनट के लिए। इसमें रख रही हूँ हमारी कुकीज़ की प्लेट और इसे हम बेक कर लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और एक साइड से जो हमारा कुकीज़ है अच्छी तरह से बेक भी हुई है। हम इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से हम इसे बेक कर लेंगे। हल्के हाथों से आपको पलटना है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है, जल्दी से टूट जाती है क्योंकि यहाँ पे हमने घी का यूज ज़्यादा किया है, इतना आपको याद रखना है। दोनों साइड से जो हमारे कुकीज अच्छी तरह से बेक हुई है हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी सूजी की कुकीज़ खाने के लिए रेडी हो चुकी है। चाय के साथ ये बहुत टेस्टी लगती है। आप रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो किसी भी कारण से अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग नोमिस किचन।